हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्टूबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मंथली करंट अफेयर्स है और अक्टूबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। और हाँ, PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। दोस्तों, ये 100+ क्वेश्चन होने वाला है, यानी 100 टोटल 6 क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर वन पे। पहला क्वेश्चन है, सिंध पर 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका हो जाएगा लंदन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री मुद्रा योजना बिजली मीटर योजना शुरू की? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिल्ली। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों, अगर आप हमारी करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर्स हमारी आती है, रोज़ आपको करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर मिल जाती है, तो अगर आप वो डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो इन सब का जवाब आप ज़रूर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस स्टेशन के लिए किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा परिवहन स्पेस शिप लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपका जापान। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने महात्मा गांधी पर 30 फुटेजों की खोज की है? ठीक है, तो ये कौन सा है आपका? ये आपका हो जाएगा NFAI। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम ATP चैलेंजर टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता? ठीक है, यानी वो कौन है? इसका कहने का मतलब है, वो कौन है भारतीय टेनिस खिलाड़ी, वो कौन है जिनका नाम ATP चैलेंजर टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो वो कौन है? ये आपका हो जाएगा सुमित नागल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के 26वें प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ठीक है, तो ये कौन है? राजेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरोप के तहत 8वें महाद्वीप की खोज की, इसे नाम दिया गया है? ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया है? ग्रेटर एड्रिया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो ये किसे मिला है? के शिव रेड्डी को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 64वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी की? ठीक है, तो ये कौन है? यह है युगांडा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, युगांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा बनने वाला एकमात्र अरब देश कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये आपका सऊदी अरब। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में ट्रैक इवेंट फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है? ठीक है, तो ये कौन है? अविनाश सेवल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 स्टेशन स्वच्छता सर्वेक्षण में किस स्टेशन ने टॉप किया है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन आपका क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DF-41 पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका किस देश से संबंधित है? तो ये है चीन से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। चलिए दोस्तों, अगर आपको पता है ये सब तो कमेंट जरूर करते जाइए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रेन
18 होगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी ट्रेन 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य विच पान मसाला यानी गुटखा पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये कौन सा है, राजस्थान, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है, SS मल्लिकार्जुन राव को, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भारत के लिए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है, ये आपका किया गया है सुरजीत एस भल्ला, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों में सभी एकमात्र महिला वाहिनी कौन सी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सैन्य नर्सिंग सेवा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। ठीक है, ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा किस देश ने की है, तो ये आपका हो जाएगा इक्वाडोर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद में किस कंपनी ने प्लास्टिक कचड़े से 0.85 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंडियन ऑयल। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी, इंडियन ऑयल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का सामाजिक उद्यमी पुरस्कार किसने जीता। ठीक है, तो ये किसने जीता, ये आपका हो जाएगा शांति राघवन, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी, शांति राघवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट सलाहकार समिति के निम्नलिखित प्रमुखों में से किसने हाल ही में इस्तीफा दिया। ठीक है, तो ये कौन है, ये हो जाएगा आपका कपिल देव, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे प्रभावी स्वच्छता राजदूत पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये किसे मिला है, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने। ठीक है, तो ये कौन बने हैं, ये हरमप्रीत कौर। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ऑडियो गाइड सुविधा ऐप का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम है ऑडियो ओडीगोज, ऑप्शन आपका है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में ई कचरा उत्पादन में शीर्ष रैंक पर है, यानी ई कचरा उत्पादन में शीर्ष रैंक पर कौन सा देश है, तो वो है अमेरिका, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा विजय पाटिल। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी, विजय पाटिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है, ये आपका हो जाएगा या लिटिजा अपेरकियो, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर HL त्रिवेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। ठीक है, तो वो थे नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी, नेफ्रोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, पीटर जे रेट क्लिफ, विलियम जी कैलिन जूनियर और ग्रेग एस सेंजा, यानी ऊपर के सभी तीनों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चाइना ओपन 2019 जीता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने चाइना ओपन 2019 जीता है, तो चाइना ओपन आपका हो जाएगा नाओमी ओसाका,
ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जापान ओपन खिताब 2019 जीता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, जापान वाला क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अमेरिकी अभिनेत्रियों में से किसने गोल्डन ग्लोब जीता जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डायहन कैरोल, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका नादिया मुराद और डॉक्टर डेनिस मुकवेगे, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वीर कुटुंब रैली आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये किया गया था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा अनामुला गीतेश शर्मा को। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए, अनामुला गीतेश शर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भौतिकी 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो मिशेल मेयर, डीडीआर क्लोवेज, जेम्स पीबल्स। ठीक है, तो ऊपर के सभी, ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा में 2019 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये विलियम जी कैलिन जूनियर, सर पीटर जे रेडक्लिफ, ग्रेग एल सेंजा, यानी ऊपर के सभी, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति विनोद कुमार शर्मा को राज्य का नया लोकपाल नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पंजाब। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का प्रधानमंत्री है और हाल ही में फिर से चुनाव जीता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट प्रारूप में कौन सा क्रिकेटर 10 बार शून्य पर आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। ठीक है, तो ये कौन है, ये आपका हो जाएगा उमर अकमल। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अखबार ने अपने प्रिंट उद्यम को बंद करने और पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है। ठीक है, तो यह है डेली न्यूज एंड एनालिसिस, आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF के अनुसार 2019 में भारत की अनुमानित वृद्धि निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.4%। ठीक है, 7.4%, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। तो ये किया है पाकिस्तान ने, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीन उल्फ ने गुरुग्राम में हीरो महिला इंडियन ओपन जीता है जो निम्नलिखित देशों में से है। ठीक है, तो ये किस देशों से है, ये ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विंग ए गाइडेड जनरल फॉर डिस्कवरी योर वॉइस पुस्तक लिखी है। ठीक है, क्या है पुस्तक का नाम, बींग ए गाइडेड जनरल फॉर डिस्कवरी योर वॉइस पुस्तक लिखी है, तो वो कौन है, वो है मिशेल ओबामा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति दी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर हैंडके को वर्ष 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से है, यानी वो कौन से देश से हैं। पीटर हैंडके को 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है, और वो कौन से देश से हैं, तो वो है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। और पीटर हैंडके को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उनको मिला है साहित्य में, ठीक है। उनको किस क्षेत्र में मिला है, साहित्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने बर्लिन जर्मनी में चल रहे विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र सिंह। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यस बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो किसे लॉन्च किया गया है, अनीता पाई को। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए, अनीता पाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले व्यक्ति का नाम है जिसने 1965 में स्पेस वॉक किया था, लेकिन हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा अलेक्साई लियोनोव। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट में 7वां दोहरा शतक लगाया, ठीक है। तो ये है आपका विराट कोहली। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादरी गोपाल नाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाया गया, उनके द्वारा कौन सा वाद्ययंत्र बजाया गया या बजाते थे वो, ठीक है। तो वह है सैक्सोफोन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अहमद जिन्होंने पड़ोसी शत्रु इस्ट्रिया यानी इरिट्रिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता, निम्नलिखित में से किस देश से हैं, ठीक है। तो ये किस देश से हैं, ये हैं इथोपिया से, इथोपिया से। और अभी अहमद, ठीक है, अभी अहमद को किस क्षेत्र में मिला है, तो उसे नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के हाल ही में आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपित करने का नाम क्या है, यानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है जिनका नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका हो जाएगा आइकन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्या नाम है, आइकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंधी इन दिनों जापान में कहर ढा रहा है, ठीक है। तो ये है हगीबीज। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा सरकार ने पुलिस सुविधा के लिए पारंपरिक डायल 100 सेवा को इनमें से किस आपातकालीन नंबर में बदल दिया है, ठीक है। आपातकालीन नंबर पहले 100 था, लेकिन अभी उसे बदल दिया गया है किस में, 112 में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट फॉटरर निम्नलिखित में से किस पेशे से थे, ठीक है। 58 ये थे आपका अभिनेता थे, ठीक है। क्या थे, फॉस्टर, रॉबर्ट फॉस्टर निम्नलिखित में से किस पेशे से थे, तो अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ए सोरो बियॉन्ड ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पीटर हैंडके, ठीक है, पीटर हैंडके, जिनको अभी साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में संपन्न विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने आर्थिक विज्ञान 2019 में नोबेल पुरस्कार जीता है, ठीक है, आर्थिक विज्ञान। तो इसमें से कौन से हैं, माइकल क्रेमर, एस्टे डफलो और अभिजीत बनर्जी, यानी ऊपर के सभी, यानी इन तीनों ने
नोबेल पुरस्कार जीता है आर्थिक विज्ञान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने डच ओपन बैडमिंटन 2019 जीता है? ठीक है, तो ये कौन है? ये है लक्ष्य सेन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2018-19 के लिए सांसद राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्राप्त करता है? ठीक है, तो ये है प्रियदर्शन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए केंद्रीय कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? अनूप कुमार मोंदीरत्ता। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूसिनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो किसे चुना गया है? कैस सईद को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनियो मित्री किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ठीक है, तो ये किन देशों के बीच है? तो ये आपका है भारत और जापान के बीच। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? ठीक है, तो ये कौन सा रैंक है? ये है आपका 102। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक कितना है? 102। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? यह है आपका 82। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2019 में भारत का कौन सा रैंक है? ठीक है, तो यह है तीसरा रैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया था? ठीक है, तो ये किसे घोषित किया गया है? रणवीर सिंह को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्सी लियोनो जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के महान कॉस्मोनॉट थे? ठीक है, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा रूस। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है किशन दान देवल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किन करेंसी नोटों की छपाई बंद की है? ठीक है, तो ये 2000। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने फेसबुक उपयोगकर्ताओं के लिए फंड ट्रांसफर सेवा कायपे शुरू की है? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री ने 5 घंटे 16 मिनट में इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से अधिक अनुयायी प्राप्त करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, यानी 5 घंटे 16 मिनट में इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर प्राप्त किया है, तो वो कौन सी अभिनेत्री है? ये आपका हो जाएगा जेनिफर एनिस्टन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कफला प्रणाली को समाप्त कर दिया है? ठीक है, तो यह है कतर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पेशे से PV कृष्णा मूर्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ठीक है, हो सकता है PDF में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो इसका कहने का मतलब है, निम्नलिखित में से कौन से पेशे से थे PV कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया? ठीक है, तो ये थे पत्रकार। क्या थे ये? पत्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो ये करेगा अपना भारत। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश ठीक के रूप में कौन सा पथ लेगा? ठीक है, तो ये है जस्टिस बोबड़े। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अनूप कुमार सिंह को। अनूप कुमार सिंह।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटियागो एक राज्य जहां आपातकाल घोषित किया गया है हाल ही में किस देश का है? ठीक है, यानी कहने का मतलब है सेंटियागो एक राज्य है जहां आपातकाल घोषित किया गया है, तो वह राज्य किस देश का है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा चिली, यानी चिली देश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया के शीर्ष 10 बढ़ते पर्यटन स्थल शामिल है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, तो ये कौन है? ये हैं जोको विडोडो। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सर्वाधिक प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है के प्रासरन को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होगा? ठीक है, तो ये कौन होगा? राधाकृष्ण माथुर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टिकटॉक, ठीक है, यहाँ पर जो ये टिकटॉक है, ये टिकटॉक है, टिकटॉक, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, भारत में टिकटॉक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है निखिल गांधी को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 403 दिनों के लिए अंटार्कटिका में रहने वाली इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? ठीक है, तो ये है मंगला मणि। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के 39वें अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा या संभाला है? ये पहले का है, अक्टूबर का है, तो हो सकता है यहाँ पर संभालेगा, यानी जो अब तक कर चुका है, लेकिन ये पहले का है इसलिए दिया हुआ है संभालेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सौरभ गांगुली। तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ डाक सेवाओं को बंद कर दिया है? तो ये कौन सा है? पाकिस्तान। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? असम। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजराज शर्मा को। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे अल्पसंख्यक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये है प्रमोद कुमार दास। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुब्रुजा 3 किन 2 देशों के बीच एक सेना अभ्यास है? ठीक है, तो ये है आपका पाकिस्तान और रूस के बीच। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली क्राइम के साथ किस फिल्म ने एशियाई एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में पुरस्कार जीते हैं? ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, गली बॉय, यानी दिल्ली क्राइम और गली बॉय एशियाई एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का फैसला किया है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इराक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा वीरेंद्र सिंह यादव। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो ये है आपका बिल गेट्स। इससे पहले कौन थे? जेफ बेजोस। ठीक है, पहले बिल गेट्स ही थे, फिर जेफ बेजोस हुए, और फिर से बिल गेट्स ही हो गए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा दिनेश्वर शर्मा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात हाल ही में उत्तर हिंद महासागर में विकसित हुआ है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क्यार। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ठीक है, तो ये कौन थे, ये आपका दिलीप पारीख, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय तेज गेंदबाज ने विजडन इंडिया अलमानक क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो ये है कौन है, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, ऑप्शन आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजो चैंपियनशिप 2019 का विजेता कौन है? ठीक है, तो ये कौन है, यह है जोजो चैंपियनशिप 2019 का विजेता कौन है, तो ये है टाइगर वुड्स, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, टाइगर वुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम के पीएम के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेफी विल्मस, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साद हरीरी ने किस देश के पीएम पद छोड़ दिया? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेबनान, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन वेंकटचला का निधन 89 वर्ष की आयु में हो गया? ठीक है, वो किस श्रेणी से संबंधित थे? ठीक है, तो वो न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट का जज थे वो। ठीक है, तो बस दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये मंथली करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।